पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में शॉक वेव, तुम तो साइबरट्रॉन पर खत्म हो चुके थे। बैश के इस्तेमाल से भी हमें उस ऑटोबॉट से कोई नई जानकारी हासिल नहीं हुई। मैं उस इंजन की आवाज को अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुम हार नहीं मान सकते। तो बताओ हम और क्या कर सकते हैं? याद है स्टारस्क्रीम तब ग्राउंड ब्रिज ऑपरेट करता था, हार्बिंजर का इस्तेमाल कर रहा था, उसमें ढेरों साइबरट्रोनियन टेक होंगे। वो साधन हमारे किसी काम का नहीं जब तक हमारे पास लीडर ना हो। फोर्ज, अगर फोर्ज मिल जाए तो आप खुद को ठीक कर पाएंगे। यह है अल्ट्रा मैग्नस। मैं पेश करता हूं खूंखार ऑटोबॉट शिकारी। प्रेजिकॉन, इनका नामो निशान तो साइबरट्रॉन के इतिहास बनने से पहले मिट चुका था। बिल्कुल, जो आपके सामने है उसे मैंने अपनी लैब में खुद बनाया है। मुझे साइबरट्रॉन पर जो फॉसिल्स मिले थे उनसे मैंने इसे क्लोन किया है। शॉकवेव, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें वापस पाकर मैं कितना खुश हूं। मास्टर प्लीज उससे दूर रहिए। घबराने की जरूरत नहीं, ये बीस्ट पूरी तरह मेरे काबू में है। ये अजूबे से कम नहीं। व्हील ट्रैक से पूछताछ के वक्त उसका गिरा हुआ एनर्जॉन सैंपल मैंने जमा कर लिया था। इसे शिकार पर भेजा जाए। चीजों को धमाके में उड़ता देखना पसंद है, लेकिन डिसेप्टिकॉन्स की माइंड को उड़ाने से हमें अपने साथियों से मिलने और मेगाट्रॉन को हराने में क्या मदद मिल सकती है? देखो, जब हम इस जगह को उड़ाएंगे ना तो धमाका बड़ा और देखने लायक होगा। अगर आसपास कोई भी ऑटोबॉट हुआ तो वो आसमान को एनर्जॉन से चमकता देख यहाँ आ जाएगा। तो फिर उड़ा दो इसे। मेन फ्रेम शुरू हो गया है, लेकिन मुझे ऑपरेटिंग कोड्स में तुम्हारी मदद चाहिए। अगर ग्राउंड ब्रिज को हम शुरू भी कर दें, तब भी बिना अपने साथियों की लोकेशन को जाने हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जरा अपना दिमाग लगाओ बम्बलबी। अगर डिसेप्टिकॉन्स के पास ऑटोबॉट सिग्नल को ट्रैक करने का तरीका होता तो हम धरती पर मेगाट्रॉन के रहमो करम पर ही जी रहे होते। शुरू से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, अगर मैं डिसेप्टिकॉन्स की फ्रीक्वेंसीज को बदल दूं तो ज्यादा से ज्यादा हम उनके कॉम लिंक तक पहुंच पाएंगे। साइबरट्रॉन की बर्बादी के बाद किसी को भी आपकी खबर नहीं थी, आप यहाँ पृथ्वी पर आए कैसे? सिपाही, भले ही हम साइबरट्रॉन पर नहीं हैं, लेकिन तमीज का दायरा वही है। माफ कीजिएगा सर। सर, इस पृथ्वीवासी से कह दो कि आवाज नीचे रखकर बात करे। क्या ये आखिर है कौन? साइबरट्रॉन की जंग के दौरान अल्ट्रा मैग्नस ऑप्टिमस के अहम ल्यूटेनेंट थे। वो वही नियम मानते हैं जो कहते हैं करो। अब सवाल का जवाब देता हूँ। मेरी भी वही कहानी है जो हर ऑटोबॉट की होती है। मैं दूसरों की तलाश में स्पेस में घूमता रहा, कुछ मिले भी, लेकिन हर बार वो डिसेप्टिकॉन के शिकार बन चुके होते थे।
उसके बाद आपने ओमेगा बीम का पीछा किया और यहाँ आ गए। अगर तुम उस एनर्जी बर्स्ट की बात कर रहे हो जो साइबरट्रॉन पर हुआ था तो तुम बिल्कुल सही हो। मैं यहाँ आते ही समझ गया कि इस प्लेनेट पर डिसेप्टिकॉन्स घुस आए हैं। मेरे स्कैनर्स पर ऑटोबॉट लाइफ सिग्नल्स भी मिले जिनमें से तुम्हारा सबसे करीब था। सिग्नल्स यानी और भी मिले? सर 5 मिले 7 में से। जैक, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। शील्डेड ऑटोबॉट सिग्नल को ढूंढना आसान नहीं होता। अपने लिए बड़ी कमाल की जगह बना लिया तुमने मेगाट्रॉन। लगता है फौज को यहाँ ढूंढने में वक्त लगेगा, पर हो सकता है तुमने बेशकीमती चीजें रखने वाली वो जगह अब तक बदली ना हो। बेवजह? मैं बेवजह परेशान नहीं होता नॉकआउट। वैसे भी तुम्हारी पोस्ट कौन चाहेगा? मेरे ओहदे को पाना किसी भी डिसेप्टिकॉन के लिए शान की बात होगी। और चाहे कोई कुछ भी कह ले, मैं जानता हूँ शॉकवेव मुझे हटाना चाहता है। तुमने उसकी आंखों में उस शैतानियत को देखा जब वो बीस दिखा रहा था? तुम अब तक उतनी ही बदसूरत हो। तो वो यहां पर है। म्यूनिशंस लगा दिए, अब आएगा असली मजा। वो आ गए। मेगाट्रॉन? नहीं, कुछ और। मैंने आज से पहले इस तरह के डिसेप्टिकॉन को कभी नहीं देखा। क्या होता है? बड़ा सा उड़ने वाला आग उगलता लिजर्ड। छूना मत, झटका लग सकता है। ये हमारे पीछे क्यों पड़ा है? मुझे ढूंढ रहे हो बीस? तो मैं यहां हूं। हमें और फायर पावर चाहिए, और मैं जानता हूं कि वो हमें कहां मिलेगी। Autobots! Ah!
ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यस, ड्रैगन को ठिकाने लगा दिया। अब तो गए। ये कौन है? क्या फर्क पड़ता है? कैसे हो? बचाने के लिए थैंक्स। ये कमांडर से कहो। सिपाहियो, आप अल्ट्रा मैग्नस देखकर खुशी हुई? मुझे भी खुशी हुई सर। शायद उस माइन को उड़ाने से हमें ढूंढना आसान हो गया है ना? अल्ट्रा मैग्नस ने उससे पहले ही तुम्हारे और हमारे सिग्नल्स देख लिए थे। तुम सब बताना चाहोगे कि हमारे पीछे क्या पड़ा है? हमारे ख्याल से रोबोट ड्रैगन या एक साइबरट्रोनियन रेप्टाइल। सब संभल कर बैठो। ठीक हमारे ऊपर है। बोलो अब क्या है लॉर्ड मेगाट्रॉन? एजेंट फाउलर, मैं रैचेट हूँ। रैचेट, जैक कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ है? नहीं, मेरे साथ नहीं है। सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ के तुम्हें कांटेक्ट करने का रिस्क लिया है।
उम्मीद है डिसेप्टिकॉन्स खुद की फ्रीक्वेंसीज पर उतना ध्यान नहीं दे रहे होंगे जितना ज्यादा वो इंसानी सिग्नल्स पर दे रहे हैं। मैं हमारे करंट कोऑर्डिनेट्स भेज रहा हूँ। क्या रैचेट, क्या किसी और की कोई खबर मिली? प्राइम कहाँ है? ये तो हमारे ही साथी का है। रैफ! इसकी पकड़ मजबूत है ना? तुम जिंदा हो। अल्ट्रा मैग्नस डॉक्टर, मैं जानता हूं कि आप बहुत ज्यादा निराश हो गए हैं, और सबसे बुरी बात तो ये है क्योंकि वो बोल नहीं सकता, इसलिए ये भी पता नहीं चल सकता कि प्रेडिकॉन के हारने की वजह क्या है। बेचारा बेजुबान मासूम है। नया पेंट अच्छा लग रहा है भी। फिर भी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। अगर मैं पेंट करूंगी तो पिंक कलर करूंगी। ऑटोबॉट्स की फ्रीक्वेंसीज के साथ इसे कंपैटिबल बनाने के लिए कॉम लिंक्स को और कैलिब्रेट करना होगा। ग्राउंड ब्रिज हालांकि शुरू हो सकता है। फिर तो उस रोबो ड्रैगन का नाश्ता बनने से बचने में वो हमारे बड़े काम आया होता। इस प्लेनेट पर जो जीव बसते हैं क्या वो सब इनकी तरह ही बदतमीज हैं? नहीं, सिर्फ मीको ऐसी है। रुकिए, शूट मत करना। ये फाउलर है, हमारा साथी। घबराओ मत मॉम, मैं ठीक हूं। तुम्हारी फैमिली सेफ है। एजेंट फाउलर ने जैस्पर को सही वक्त पर खाली करवा दिया था। जिन सिग्नल्स को अल्ट्रा मैग्नस ट्रैक कर पाए थे वो सब यहीं पर खड़े हैं। शायद उनका स्कैनर खराब होगा, यानी स्मोक स्क्रीन का कुछ पता नहीं। सिर्फ ऑप्टिमस जानते थे कि स्मोक स्क्रीन ब्रिज से अकेला कहां गया था, और वो पीछे रुक गया था ग्राउंड ब्रिज को बर्बाद करने के लिए, ताकि हम सब सुरक्षित रह पाए। मैंने बेस को गिरते देखा था, उसमें से कुछ भी या कोई भी बाहर नहीं आया जिसे हम भी ना देख पाए। अगर प्राइम बचा भी होगा तब भी हम उसके लौटने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि मेगाट्रॉन डार्क माउंट की ऊंचाइयों पर बैठकर हमारे प्लैनेट को धमकियां दे रहा है। मैं इस इंसान की सभी बातों से सहमत हूँ। हमें मेगाट्रॉन को रोकना ही होगा, फिर चाहे ऑप्टिमस साथ हो या ना हो। ऑप्टिमस, मुझे फौज मिल गया, आप इससे खुद को ठीक कर पाएंगे। मैंने तुमसे रेलिक को इसलिए लाने को नहीं कहा था। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। फौज की ताकत का इस्तेमाल हम एक सीमा तक ही कर सकते हैं। उसकी एनर्जी अब कम होती जा रही है। लेकिन हुई तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? इसमें अब भी इतनी ताकत तो होगी कि यह आपको लड़ने लायक बना दे। इसमें जितनी ताकत बची है उससे हम ओमेगा लॉक बनाएंगे साइबरट्रॉन को जिंदा करने के लिए। लेकिन इसका मतलब तो यह हुआ हमारी दुनिया का बसना, हम में से किसी की भी जान से ज्यादा बढ़कर है, यहां तक के मेरे भी। मैं
मेगाट्रॉन को हराने के लिए हमसे जो बन पाएगा वो हम करेंगे, लेकिन हमें होशियारी से आगे बढ़ना होगा। वो मैं सोच समझ कर कुछ भी नहीं करता हूँ। जितना कहते हैं सुन लो। अल्ट्रा मैग्नस का साथ देने में ही सबकी भलाई है। इसे ऑप्टिमस ने ट्रेन किया है और ये साइबरट्रॉन की जंग में उसी का कमांडिंग ऑफिसर भी था। अगर सबकी शिकायतें खत्म हो गई हो सिपाही, तो मेरे पीछे चलो। ठीक है कैप्टन। ऑटोबॉट्स, जो चाहिए ले लो। अब ये हुई ना मर्दों वाली बात सर। ऑप्टिमस, फोर्ज प्राइम्स का एक रेलिक है और हम बिना प्राइम के किसी भी कीमत में साइबरट्रॉन को जिंदा नहीं कर पाएंगे। आपके बिना तो नहीं, तो फिर किसी और को प्राइम बनना होगा। इसके बारे में हम तब चिंता करेंगे जब आपको ठीक कर दें और मेगाट्रॉन को हरा दें। हमें एक नए लीडर की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि वो लीडर इस वक्त मेरे सामने खड़ा है।